हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आ, कल की डेट में हम वीडियो नहीं बना पाए जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज आउट सम सो अगर हम बात करें आ, आज की डेट की तो एक वीडियो देखिए आपने देखी लिया कि निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें या फिर मार्केट की बात करें तो मार्केट में देखिए हर जगह गिरावट है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करते हैं देखिए वो uh, गिरा हुआ है सॉरी uh, यहाँ पर निफ्टी uh, दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको तो निफ्टी uh, यहाँ पर हम सीधे चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर हम निफ्टी फिफ्टी फिफ्टी देखते हैं देखिए आपके सामने है ये भी देखिए आज की डेट पे आ, नीचे गिरा था बट कुछ सेक्टर थे जो कि इसे ऊपर की तरफ ले गए बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट थी यहाँ पर आईटी भी गिरता हुआ दिखाई दिया अगर हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी आई तो आपको दिखाई देगा देखिए निफ्टी आई में यहाँ पर गिरावट थी फिर लास्ट में थोड़ा सा रिकवर हुआ कुछ शेयर चले कुछ शेयर नहीं चले इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी फाइनेंशियल्स की तो वहाँ पर भी आपको निफ्टी बैंक की बात करें तो आप देखिएगा अच्छी खासी गिरावट है तो देखिए मार्केट में हर जगह ही गिरावट है बट हम आ, अगर हम बात करें मार्केट में आपके पास शेयर है या नहीं आ, किस तरीके के आपके पास शेयर है वो चीज ज्यादा डिपेंड करती है जब वो चीज़ आपको बताती है कि मार्केट में आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं आप मार्केट में डाउनवर्ड की ओर जा रहे हैं मार्केट में अपवर्ड की ओर जा रहे हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या फिर ओवरऑल आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है या फिर क्या आ रहा नजर आ रहा है कि हमें बेच के निकल जाना चाहिए तो उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और जानेंगे कुछ पैरामीटर्स

अगर हम बात करें स्मॉल कैप हम बात करें मिड कैप हम बात करें लार्ज कैप तो हमारे तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है फिर आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक्स है लार्ज कैप है स्मॉल कैप है मिड कैप है वो जानना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्टर्स हम डिसाइड uh, कर पाएंगे कि हम किस uh, हमारे पास अच्छे शेयर है या नहीं है फिर अगर हम बात करते हैं देखिए लार्ज कैप कंपनी के भी शेयर अच्छे होते हैं मिड कैप के भी शेयर अच्छे होते हैं और स्मॉल कैप के भी शेयर अच्छे होते हैं बट इनके बीच का डिफरेंस क्या है इनमें क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है एक बार उससे रिलेटेड बातें करते हैं तो हम देखिए स्मॉल कैप की अगर हम बात करें जिनकी मार्केट कैप ओके टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज से नीचे होती है ना उसे स्मॉल कैप कहते हैं ओके okay, और एक करोड़ से और नीचे होते हैं उसे माइक्रो कैप कह देते हैं मिड कैप की बात करें टेन से ट्वेंटी करोड़ के बीच की जो मार्केट कैप होती है उसे एक बार मिड कैप कह देते हैं और ट्वेंट ट्वेंटी uh, से ऊपर या ट्वेंटी

तो देखिए यहाँ पर अगर एक साल का चार्ट पैटर्न लेते हैं तो यहाँ पर एक सौ एक परसेंट की रिटर्न दे रखा है बट पांच साल की इधर से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए पेंडेमिक आया था और इधर देखिए तो लगभग देखिए आठ सौ परसेंट के रिटर्न आपको दिए थे आप यहाँ पर देखे आठ सौ परसेंट क्यों क्योंकि देखिए ये स्मॉल कैप स्टॉक था इसी के बीच में अगर हम मैं आपको कुछ दूसरे स्टॉक्स की बात कर बताऊं जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड ये अभी मिड कैप में आ गया ओके okay, तो हम यहाँ पर एक साल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ही है इसका तो अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए दो सौ इक्यासी कहाँ आठ सौ परसेंट कहाँ पर दो सौ इक्यासी परसेंट तो अगर हम देखते हैं देखिए वो स्मॉल कैप था तो स्मॉल कैप में आठ सौ परसेंट के रिटर्न मिड कैप में यहाँ पर तीन सौ परसेंट के रिटर्न और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा स्टॉक्स हम देखते हैं इन्फोसिस तो ये है लार्ज कैप मैंने आईटी के ही आपको दिखाया है तीनों के तीनों तो पर देखते हैं लार्ज कैप की आप बात करेंगे तो हम एस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ओके तो आपको पता चलेगा की इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए इसने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा देखिए यहाँ पर एक तो मतलब डेढ़ के एक के रिटर्न एक साल के अंदर अंदर डेढ़ साल के अंदर अंदर इन कंपनीज ने देते हुए नजर आए तो इनके बीच का डिफरेंस भी देख रहे हैं तो देखिए ये इसने कम रिटर्न दिए हैप्पीएस्ट माइंड ने थोड़े ज्यादा रिटर्न दिए और आपको सिस्टम ने उसने थोड़े ज्यादा रिटर्न दिए क्यों दिए क्योंकि एक स्मॉल कैप है एक मिड कैप है एक लार्ज कैप है तो जब हम स्मॉल बात करते हैं हम बात करते हैं लार्ज कैप की देखिए लार्ज कैप में अभी गिरावट हो रही है तो इसमें कितनी गिरावट है इसमें थोड़ी सी गिरावट है यहां पर अगर हम देखते हैं तो आज के दिन में 1.26 गिरा वन पॉइंट टू सिक्स परसेंट गिरा है तो कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है बल्कि ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है इवन और हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक्स मिड कॉप में ही माइंड किया गया अभी हमने बात करी थी ये भी लगभग इतना ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है बट वन मंथ की बात करें कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है या थोड़ा सा यहाँ पर और ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए अगर हम दो महीने की बात कर लेते हैं लगभग सात आठ परसेंट ये शे चुका है और इसके अलावा हम बात करते हैं रामको सिस्टम की तो यहाँ पर देखिए रामको सिस्टम में आपको निकाल के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगी फाइव डेज की बात कर लेते हैं तो फाइव डेज में यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट है वन मंथ की बात कर लेते हैं तो देखिए वन मंथ में कितने छब्बीस की गिरावट है तो यही डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखिये स्मॉल कैप में गेन भी ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें गेन भी ज्यादा मिलता है या गिरते भी ज्यादा है मिड कैप में गेन आ, इसके बीच के मिलते हैं ओके okay, बट उसमें गिरावट भी उसी तरीके से होती है मतलब स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है मिड कैप में उससे थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप की बात करें तो उसमें रिस्क और कम होता है तो ये एक डिफरेंस है तो आप पहले तो अपने पोर्टफोलियो को चेक करिए कि आपके किस तरीके के स्टॉक्स है तो आपने उस तरीके से पैसा भी कमाया मिड कैप हो सकता है कि आपने पहले ज्यादा पैसा नहीं कमाया हो फिर बाद में आपने चेंज किया हो ऑटोमेटिकली

चलता हुआ नजर आता है ऐसे नहीं चलता है zigzag का मतलब ये नहीं है zigzag का मार्केट में मतलब है ये देखिए यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया मतलब दो कदम ऊपर लिया एक कदम पीछे फिर दो कदम ऊपर एक कदम पीछे दो कदम ऊपर एक कदम नीचे इस तरीके से चलते-चलते मार्केट ऊपर की तरफ जाती है बट हम बात करते हैं देखिए निफ्टी, निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो हम हमें पता चलेगा कि न, 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 निफ्टी मिड कैप में अगर हम 150 की बात करते हैं देखिए यहां पर तो यहाँ पर देखिए गिरावट है एक अच्छे खासा पहले यहां पर देखिए शेयर भागे भी थे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये इंडेक्स कितने बेहतरीन तरीके से भागता हुआ नजर आया और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कब से यहाँ पर फोर्थ ऑफ अगस्त से पूरे अगस्त की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक गिरावट दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक साइड जोन में चल रहा है जून से मतलब तीन से चार महीने हो गए एक साइड जोन में यहाँ पर शेयर चल रहा है ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर जाता है नीचे जाता है बट इससे पहले शेयर भागे भी थे तो वो आपको समझने की जरूरत है इसके अलावा हम बात करें निफ्टी फिफ्टी की तो देखिए निफ्टी फिफ्टी काफी इससे पहले निफ्टी

धीरे धीरे भागेंगे बट अगर हम बात करते हैं यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप की भी एक बार बात कर लेते हैं तो हमें हम पता चलेगी निफ्टी स्मॉल कैप में भी सेम इसी तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैफ अंडर तो देखिए यहां पर एक ही साइड बेस जोन में यहाँ से अगर बात करें दो महीने हो गए लगभग एक दो महीने तो इसी रेंज में यहाँ पर चल रहा है और यहां पर देखिए तो देखिए एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इसने यहाँ पर से सपोर्ट ले लिया भागेगा तो देखिए भागता हुआ नजर आया फिर मैंने बीच में आपको बताया भी था ये गिरता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले भी इस तरीके से कैंडल्स बनी हुई है कि ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर भागता हुआ नजर आता फिर उसके बाद गिरता हुआ नजर आता है यहाँ पर एक देखिए कैंडल तो यहां पर देखिए भागा भागने के बाद यहां पर दो तीन चार पांच दिन लगातार गिरावट हुई जो यहां पर देखिए लगातार गिरावट हो रही है और लगातार गिरावट होने के बाद फिर भागना शुरू किया तो अच्छा खासा यहां पर भागा फिर थोड़ा गिरा फिर भागा फिर थोड़ा गिरा फिर भागा तो इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा पहले यह था कि एफ के पैसे ज्यादा आ रहे थे बट अभी मार्केट में एक थोड़ा फियर बना हुआ है तो इस वजह से एफ के पैसे ज्यादा नहीं आ रहे हैं बट अगर एक बार दोबारा जो अभी यहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा फिर दोबारा ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे और मुझे नहीं लगता है यहाँ से ज्यादा ये गिरने वाला है तो यहाँ पर अगर देखे कि पर इसने पहले भी यहाँ पर सपोर्ट बनाया था नाइन जून के आसपास से यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इससे पहले देखिए एक सपोर्ट यहाँ था और यहीं पर ही आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है शायद एक आध दिन की गिरावट और हो सकती है थोड़ी बहुत बट उसके लिए कोई परेशानी नहीं है और अगर थोड़ी और ज्यादा गिरावट होती है हम, हम हम सोच रहे थे चलो यहाँ तक आ जाएगा यहाँ पर 700-800 पॉइंट और शायद चले जाएंगे इसमें निफ्टी में आपके शेयर और दो चार पांच परसेंट और गिर जाएंगे कोई परेशानी नहीं है थोड़ा होल्ड करने की सोचिए मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो मार्केट को रिस्पेक्ट करना जानते हैं मार्केट को पेशेंटली वेट करने करते हुए देखते हैं अगर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आपने किस तरीके के स्टॉक्स चुने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है अगर देखिए और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए इमोशन में मत बहिए मैं भी इस बार इमोशन में बह गया और रूल्स को भूल गया डिसिप्लिन को भूल गया इस वजह से शायद मेरा थोड़ा सा पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है बट कोई इशू नहीं है अब उसे दोबारा रिस्ट्रक्चर करेंगे और देखिए पैसे लगाने का तरीका होता है थोड़ा सा पैसा मिड कैप में भी लगाइए लार्ज कैप में भी लगाइए स्मॉल कैप में भी लगाइए कुछ स्टॉक्स एटलीस्ट अभी भी मेरे पास ऐसे है कि जो भागते हुए नजर आ रहे हैं मैंने आपको कुछ दिन पहले माइंड्री बताया था ओके okay, और मैंने आपको बताया था कि हर पार भगता हुआ नजर आता है हर बार सात सौ रुपए देते हुए नजर आता है यहां पर मैंने आपको बताया था देखिए यहाँ पर लगभग तीन सौ सात सौ रुपए आज की यहाँ पर कुछ दिन के अंदर अंदर देता हुआ नजर आया बाईस से पच्चीस परसेंट के रिटर्न हमें मिलते हुए नजर आए तो थोड़ा आपको समझने की जरूरत है बाकी और कुछ नहीं है आपको डिसीजन लेने की जरूरत है अच्छे अच्छे और आज की डेट में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताने वाला हूँ उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनसे अगर आपके पैसे या पोर्टफोलियो में ऐड करिए और नहीं है कोई परेशानी नहीं है उन स्टॉक्स को जो हमने बताया अपने

पर होता हुआ नजर आया है देखिए यहां पर देखिए अब

Thank you so much. God bless.